गांव की सरकार संवाददाता सुरेंद्र देलू के साथ देखिए टुडे 24 पर। पंचायती राज चुनाव 2020 के अंतर्गत खाजूवाला की ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को चुनाव होंगे। ऐसे में चुनाव की तारीख नजदीक आते आते चुनाव का प्रचार भी गति पकड़ चुका है। खाजूवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 5 KYD में महिला प्रत्याशी सीता देवी के द्वारा ग्राम पंचायत के अनेक चकों में पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। तो वही उम्मीदवार का कहना है कि मतदान के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए COVID-19 की गाइडलाइंस की पालना भी करें। उम्मीदवार प्रतिनिधि चैनाराम गोदारा का कहना है कि शुद्ध पेयजल, सड़कों का दुरुस्तीकरण करके आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिलवाकर युवाओं को रोजगार दिलवाने की प्राथमिकता रहेगी। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर युवा बहनों को सिलाई बुनाई जैसे कार्यों के लिए पंचायत में प्रशिक्षण, पंचायत में बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था, शुद्ध पेयजल सहित अनेक विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रत्याशी उम्मीदवार को पंचायत की 1 PHM, 5 व 4 KYD सहित अनेक चकों से मतदाताओं का अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। उम्मीदवार सीता देवी से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने। खाजूवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 5 KYD सरपंच पद की महिला उम्मीदवार सीता देवी भी हमें हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहते हैं 10 अक्टूबर को जो मतदान होगा, आप मतदाताओं से क्या अपील करते हैं ताकि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत 5 KYD के समस्त सम्मान्य बड़े बुजुर्ग माताओं, बहनों, भाइयों को सादर प्रणाम। आप सभी को वंचित सहयोग से हम सब लोग अभिभूत हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोगों का ऐसा सहयोग व आशीर्वाद हमेशा बने रहेगा। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आप सभी के सहयोग से यदि मैं 5 KYD ग्राम पंचायत की सरपंच चुनी जाती हूं तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सब लोगों का आपसी सद्भाव व भाईचारा बना रहे। किसी भी परिस्थिति में द्वेष भावना उत्पन्न ना हो, बिना भेदभाव किए कार्यरत रहूंगी। 5 KYD ग्राम पंचायत आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, आपके सरपंच बनने के बाद ऐसी क्या प्राथमिकता रहेगी ताकि उस समस्या को आप जल्द निराकरण करें, विकास करें। इसी क्रम में अगला प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा घरों व डाणियों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, सड़कों का निर्माण हो या दुरुस्तीकरण करके आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाए, विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिलवाकर युवाओं को रोजगार दिलवाया जाए तथा कृषि आधारित ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करके कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए। इसी क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर युवा बहनों को सिलवाई बुनाई जैसे कार्यों के लिए प्रशिक्षण इकाई स्थापित करने का प्रयास रहूंगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आपका बहुत ही अच्छा स्लोगन है, जनता आपसे उम्मीद भी कर रही है कि ग्राम पंचायत में ऐसे अनेक विकास कार्य हो, लेकिन आने वाले समय में 5 साल तक ऐसे क्या कार्य में प्राथमिकता रहेगी ताकि जनता आपको हमेशा याद करे, ऐसी लंबी समस्या से ये ग्राम पंचायत बची रहे और ऐसे सरकार की योजना भी क्षेत्र में क्रियान्वित हो। अपनी ग्राम पंचायत में बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था हो, अध्यापकों की कमी ना रहे, मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिले तथा सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके ज्यादा से ज्यादा संशोधन का काम में कैसे लिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था कराने को सदैव प्रयासरत रहूंगी जिससे अपनी ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास हो सके और हम सब लोग मिलकर भारत देश की तरक्की को अपने सहयोग दे सकें। बिल्कुल, ये थे ग्राम पंचायत 5 KYD से महिला प्रत्याशी सीता देवी। इनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही यहाँ पर शुद्ध पेयजल की एक बड़ी समस्या आ रही है। इनका कहना है कि सरकार की जो भी योजनाएं आ रही है उसको ग्राम पंचायत में क्रियान्वित किया जाएगा ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर। चुनाव 2020 के अंतर्गत खाजूवाला की 31 ग्राम पंचायतों के चुनाव चौथे चरण की 10 अक्टूबर को होंगे। खाजूवाला पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों के चुनाव 10 अक्टूबर को होंगे, तो वहीं 108 उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही उम्मीदवारों की तस्वीरें भी अब साफ नज़र आ रही है, तो वहीं जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। हालांकि खाजूवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 5 KYD में इस समय हम मौजूद हैं, जहाँ पर सीता देवी इस समय अपना चुनाव प्रचार भी करती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं ग्रामीण भी मौजूद है। वहीं COVID-19 एक महामारी है, उम्मीदवारों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं सोशल डिस्टेंस
भी उचित व्यवस्था बना रखी है। हमारे साथ यहाँ पर अनेक ग्रामीण भी मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहते हैं, यह ग्राम पंचायत आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आप आने वाले सरपंच जो 10 अक्टूबर को चुनाव के क्या उम्मीद करेंगे ताकि विकास कार्य हो? हम आने वाले सरपंच सीता देवी से उम्मीद करेंगे कि एक तो शिक्षा और स्वच्छ जल और मनरेगा, ये इनको प्रायोरिटी में रखे। शुद्ध पेयजल एक बड़ी समस्या है, नरेगा में भी लगातार करप्शन बढ़ रहा है, डाकघर नजर नहीं आ रहे हैं, अनेक सुविधाएं वंचित हैं। आप किस तरीके की उम्मीद करेंगे आने वाले सरपंच से ताकि वो प्राथमिकता से वो कार्य को संपूर्ण करवाएं? मेरा कहना यह है कि ग्राम पंचायत 5 की वाड़ी में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मेरा निवेदन है और सरपंच साहब से ये पानी की सुविधा के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, और आने वाले कार्यों के अंदर मनरेगा है, शिक्षा है, जो छोटे मोटे कार्य हैं पंचायत के उसमें बहुत बड़ा शो करने वाले हैं, अच्छी उम्मीद है हमारी इन पे। सिंचित इलाका होने के साथ साथ यहाँ डॉट कवरिंग की एक बड़ी समस्या नज़र आ रही है, भूमि आवासीय पट्टों की एक समस्या नज़र आ रही है, जहाँ ग्राम पंचायत के अंदर आज भी काटान रास्ते की एक बड़ी समस्या नज़र आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर उम्मीदवार प्रतिनिधि चेनाराम गोदाराम से जानना चाहते हैं, जो समस्याएं गाँव में ग्रामीणों ने बताई है उसकी प्राथमिकता क्या रहेगी 5 साल में अगर आपको सरपंच जनता चुनती है तो? सबसे पहले नरेगा में विकास कार्य करवाए जाएंगे, खालों की डाट कवरिंग करवाई जाएगी और सभी प्रकार की जो है मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। कोविड-19 एक महामारी है, उससे भी बचना जरूरी है, साथ ही 10 अक्टूबर को मतदान होगा, आप मतदाताओं से क्या अपील करेंगे ताकि एक शांति व्यवस्था भी बनी रहे? मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ कि भी वो मास्क लगाए रखें, उचित दूरी बनाए रखें और इस बीमारी महामारी है इसके लिए इसको भी कम बीमारी को छोटा मत आंकें और उचित दूरी और मास्क का प्रयोग करें। 10 अक्टूबर को ग्राम की सरकार चुनी जाएगी, यहाँ पर आज भी मूलभूत सुविधाओं से यह पंचायत वंचित है। बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाले 10 अक्टूबर को किस तरीका उम्मीदवार आप तय करेंगे ताकि क्षेत्र के विकास कार्य हो, साथ ही सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके? हम चाहते हैं कि एक कृषि आधारित ग्राम पंचायत है, इसमें जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पर क्रियान्वयन करके जो कृषि क्षेत्र है उसका औद्योगीकरण किया जाए, सड़कें हैं जो आम मार्ग हैं उनको खुलवा के उनका दुरुस्तीकरण, नई सड़कें बनाई जाएं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएं और जो सौर ऊर्जा के जो सरकारों के विभिन्न प्रोजेक्ट हैं उनको धरातल पर उतार के और बेरोजगार हैं उनको रोज़गार दिलवाएँ, जो युवा महिलाएँ हैं बच्चे हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करके एडवांस ट्रेनिंग दी जाए। निश्चित रूप से ग्राम पंचायत 5 के वैडी में कई समस्याएं नजर आ रही है, ग्रामीणों का कहना है कि शुद्ध पेयजल व चिकित्सा को लेकर भी एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ यहां पे अनेक मतदाता हैं, इनसे जानना चाहते हैं 5 के वैडी ग्राम पंचायत 10 अक्टूबर को मतदान होगा, किस तरीके का आप उम्मीदवार तय करेंगे? हम निवेदन करते हैं कि सरपंच मान ले अगर जीतता है तो उसको हम निवेदन करेंगे कि मूलभूत सुविधा हर तरह की हर समस्या पर ध्यान दे और बीमारी से बचने के लिए दूरी का या मास्क का प्रयोग करे और हर तरह से मान ले कोई भी गरीब अमीर की बराबर सम्मान्य अधिकार दे। निश्चित रूप से ग्रामीणों का कहना है कि जो समस्या नज़र आ रही है उसका निराकरण किया जाएगा। ग्राम पंचायती सरपंच उम्मीदवार जो प्रतिनिधि चेनाराम गोदारा है, इनका कहना है कि जो सरकार की योजना होगी उनको क्रियान्वित किया जाएगा, जो जो समस्या है उनको प्राथमिकता से किया जाएगा। बड़ी समस्या शुद्ध पेयजल को लेकर आ रही है, सिंचित इलाका होने के कारण डॉट कवरिंग भी एक बड़ी समस्या है, इनका निराकरण करना इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।